हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका पिछला चैप्टर गति वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बल तथा गति के नियम। तो बल, सबसे पहले बल क्या होता है? बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, ठीक है, जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन की जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई एक लकड़ी का बॉक्स है, ठीक, यहाँ से ये आदमी इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये इधर से ये आदमी इसको धक्का दे रहा है ताकि ये जो बॉक्स है अपनी जगह से हिल जाए, ठीक है, यानी इसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाए। बल बेटा एक सदिश राशि है, ठीक है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है कि आप किस दिशा में आप बल लगाते हैं, ठीक है, और कितना आप बल लगाते हैं, ठीक। और इसका SI मात्रक होता है न्यूटन, या आप कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक। और अगर जब हम बल लगाएंगे, जब ये व्यक्ति जो है इस वस्तु को बल लगाएगा, ठीक, और ये व्यक्ति इसको अपनी ओर खींचेगा, तभी इस बल की वजह से क्या होगा, ये जो आपके पास ये बॉक्स है ये अपनी जगह चेंज करेगा और उसकी वजह से ही वस्तु में क्या आएगी, गति आएगी। फिर बल के प्रकार पड़ते हैं। बल कई तरह के होते हैं, जैसे घर्षण बल। घर्षण का मतलब क्या होता है? रगड़, ठीक है। घर्षण बल क्या होता है? जो किसी वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, मतलब, और ये दो सतह के बीच में कार्य करता है, एक तो इस वस्तु की सतह जो होगी और ये, और दूसरी सतह क्या होगी, जहाँ पर ये वस्तु रखी गई होगी, ठीक है। अब जैसे घर्षण बल कैसा होगा, देखो बेटा, ये आदमी बल लगा रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, इस बॉक्स को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन जो घर्षण बल होगा वो पीछे की तरफ लगेगा। घर्षण बल क्या होगा? पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे ये साइकिल चला रहा है ये बच्चा, ठीक है, तो ये आगे की तरफ चल रहा है और घर्षण बल क्या होगा बेटा? पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। ये व्यक्ति जो है, ये बच्चा आगे की तरफ अपना बल लगाएगा और घर्षण बल पीछे की तरफ लगेगा, ठीक। अब घर्षण बल बेटा उसको कम कैसे किया जाता है? जैसे तेल लगाकर, जैसे आपका कई बार दरवाज़ा जो होता है बहुत टाइट हो जाता है, ठीक है, या साइकिल जो है आपकी बहुत टाइट चलने लगती है, तो आप क्या करते हैं? ग्रीस लगाते हैं, ठीक है, ग्रीस लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, घर्षण जो है उसका कम किया जाता है। कहीं पर ये घर्षण जो है वो फ़ायदेमंद भी है और कहीं पर ये इसका नुकसान भी है। फ़ायदा कहाँ पर है? अच्छा चलिए बताइए, जैसे अगर चौक चौक से हम क्लास में ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते हैं, ठीक है, अगर आपका ब्लैक बोर्ड रफ होगा, ठीक है, मतलब वहाँ घर्षण ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा घर्षण होगा, मतलब उबड़ खाबड़ होगा, तो क्या आप उसके ऊपर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ठीक है, तो वहाँ पर हमें घर्षण बल कम चाहिए, ठीक। अब इसी तरह आपका जो जहाँ आप चल रहे हैं, ठीक है, फर्श है, अगर वहाँ पर तेल गिरा हो, ठीक है, तो उसके ऊपर आप चल पाएंगे? नहीं, वहाँ पर आपको घर्षण की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इसलिए कहीं पर आपको घर्षण बल का आपको नुकसान भी होता है और कहीं फ़ायदा भी होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर यहाँ पर घर्षण बल ज़्यादा होगा ना, तो इस व्यक्ति को इस बॉक्स को खींचने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा बल लगेगा। और अगर यहाँ ये जो फर्श है आपका, यहाँ अगर ये प्लेन रहेगा, तो यहाँ पर उसका घर्षण बल क्या हो जाएगा, उसको इसको जो बल लगाने में कम मेहनत करनी पड़ेगी। फिर है आपका दूसरा बल, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है, जैसे ये इस बच्चे ने इस बॉल को पकड़ रखा है, ठीक है, तो क्या होगा,
ये बच्चा क्या करता है, इस बॉल को रस्सी से पकड़ता है और अपने चारों तरफ इस तरह से वृत्तीय पथ में घुमाता है। ठीक है बेटा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल जो है अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, यहाँ पर जो बल होगा वो अंदर की तरफ लगेगा, यानी प्रत्येक बिंदु जो है वो अपनी तरफ अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। वो बल आपका क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल। इस चुंबक को देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि तीसरा बल का प्रकार हमारा कौन सा है, चुंबकीय बल। चुंबक के साथ तो आप लोगों ने कई बार खेला होगा, तो आपने देखा होगा कि चुंबक क्या करता है, लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, और अगर इस तरह के आपके पास दो चुंबक हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या कहेगा, ये आपके पास एक ये चुंबक और ये दूसरा चुंबक। ठीक है बेटा, इसका ये उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव, और यहाँ पर इसका दक्षिणी ध्रुव है और ये आपका क्या है, उत्तरी ध्रुव। अगर इन दोनों चुंबकों को हम आमने सामने रख दें तो क्या होगा, ये दोनों विपरीत दिशा वाले हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा बल लग रहा है, चुंबकीय बल। और अगर मान लीजिए यहाँ पर भी मैं इसको उल्टा करके रख देती हूँ, मतलब यहाँ उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो जब दोनों का ध्रुव जो है एक समान हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को भगाएंगे इधर से उधर। ठीक है, दूर भागेंगे एक दूसरे से, तो ये किस तरह का बल लगेगा बेटा, यहाँ पर भी चुंबकीय बल लगेगा यहाँ पर भी आपका। बेटा देखो, ये आपका क्या है, शार्पनर है। ठीक है, तो ये शार्पनर है आपका, चौथा आपका बल जो है कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल आपने छोटी क्लासेस में सुना होगा, क्या होता है कि कोई वस्तु क्या करते हैं, ऊपर से जब हम फेंकते हैं, देखो ये ऊपर से मैंने फेंकी तो ये नीचे की तरफ गई। ठीक है, या इसको मैंने ऊपर की तरफ उछाला, ठीक, तो ऊपर की तरफ उछाला फिर वो वापस नीचे आ गई। जैसे कि आप गेंद को ऊपर की तरफ उछालते हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या ऊपर ही लटक जाती है, नहीं, क्या होता है, वो वापस नीचे आती है। ठीक, तो वो कौन सा बल कहलाएगा बेटा, आपका गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। ठीक है, तो यानी इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। बेटा अब बल को हम उसकी प्रबलता के आधार पर हम बताते हैं कि बल दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है, किसी वस्तु पर लगने वाले अनेक बलों का यदि परिणामी बल शून्य हो तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। मतलब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर में, एक टेबल है, ये टेबल है, उसके ऊपर एक लकड़ी का गुटका रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक तरफ इसको रस्सी से बांध दिया, दूसरी तरफ भी हमने रस्सी से हमने बांध दिया है। ठीक, अब हमने दो बच्चों को बुलाया, पहला बच्चा इस रस्सी को इधर से खींच रहा है, दूसरा बच्चा इस रस्सी को इधर से खींच रहा है। ठीक है, तो अगर दोनों एक समान बल लगाएंगे तो ये लकड़ी का गुटका क्या होगा, यहीं पर ही रहेगा। ठीक है, ये लकड़ी का गुटका अपनी जगह नहीं हिलेगा। ठीक है, तो जो इसका परिणामी बल होगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पर उसका परिणामी बल क्या होगा, जीरो। दूसरा आपका असंतुलित बल, उसका वो क्या होता है, किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता। जैसे अब क्या किया, केवल एक ही तरफ से हमने बल लगाया, ठीक है, तो ये क्या होगा, लकड़ी का गुटका इस तरफ ही खींचा जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो परिणामी बल है वो जीरो नहीं होगा। तो इस तरह के असंतुलित बल को, इस तरह के बल को हम क्या कहेंगे, असंतुलित बल। देखो बेटा, ये
संतुलित बल का एक और उदाहरण, मतलब इन दोनों का जो भार है वो दोनों का बराबर है, जिस वजह से ये जो लकड़ी का ये जो फट्टा है ये बराबर बराबर पर है, ठीक। और यहाँ पर असंतुलित बल, ये देखिए यहाँ पर दो बच्चों का बल लग गया, दो बच्चों का भार आ गया, ठीक है, और यहाँ पर एक बच्चा है, तो ये यहाँ पर असंतुलित बल है, ठीक है बेटा। असंतुलित बल के कारण आपका किसी वस्तु में, किसी वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो त्वरण कैसे उत्पन्न होता है कि जब बार बार वो अपना बल जो है बदलता रह रहा है, कभी कम लगा रहा है कभी ज़्यादा लगा रहा है, ठीक है, तो वो तो उसके बल में परिवर्तन हो जाता है। देखो जब आप ज़्यादा बल लगाते हैं तो आप साइकिल तेज़ी से चला लेते हैं, जब आप थक जाते हैं तो वही साइकिल आपकी क्या हो जाती है, धीमे धीमे चलने लगती है, जिससे क्या होता है कि गति में त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। इसी असंतुलित बल के कारण बेटा आप लोग फुटबॉल खेलते होंगे, तो जब आप इसको किक मारते हैं, इस फुटबॉल को जब आप किक मारते हैं तो ये किसी और डायरेक्शन में चला जाता है ना। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, जब आप कोई असंतुलित बल लगा रहे हैं तो आप किसी भी वस्तु की दिशा भी आप बदल सकते हैं। फिर असंतुलित बल लगा के बेटा आप देख सकते हैं, आपके पास इस तरह का रबड़ का मान लीजिए गेंद है, ठीक है, तो उसको बल लगाकर आप उसकी उसका आकार भी बदल सकते हैं। देखो उसको आपने बल लगाया तो वो पिचक गया, ठीक है। अब आप आटा गूंथते हैं, मम्मी को आपने आटा गूंथते हुए देखा होगा, तो उस पर बल लगाकर उसका आकार किस तरह से चेंज कर देती हैं, है ना। तो वहाँ पर भी कौन सा बल लग रहा है, असंतुलित बल लग रहा है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, कल करेंगे हम गति के नियम, ठीक है, थैंक यू।